हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज है हमारे साथ में जावा 42 कॉस्मिक कार्बन, जो कि आपको अभी तक भारतीय बाजार में नजर आती थी। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए दूसरी बाइक की, जो कि है ऑल न्यू जावा 42। ये जो कलर कॉपर मैट कलर है, आपको काफ़ी अच्छे और बहुत सारे अपडेट के साथ ये न्यू दिखने वाला है जावा 42। बाकी का जिसमें सबसे बड़ा जो अपडेट आया है वो की है इसकी सीट हाइट को लेके और ग्राउंड क्लियरेंस को लेके, जो कि बढ़ाई गई है। कंपनी ने इसकी सीट हाइट और ग्राउंड क्लियरेंस को थोड़ा सा बढ़ाया है, जिसके चलते कैसे बढ़ाया गया वो मैं बता देता हूँ। इसके अंदर आगे के जो सस्पेंशन है वो और ज़्यादा बड़े यूज़ किए गए हैं, जिसके चलते इसका सीट हाइट और ग्राउंड क्लियरेंस दोनों ही बढ़ गए हैं। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं इनका एक सीट हाइट टेस्ट। बाकी मेरी हाइट जो है वो 5 फुट 5 इंच है, और यहाँ पर जावा 42 ओल्ड वर्जन की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको देखने मिलेगी 165 mm, और ऑल न्यू जावा 42 की ग्राउंड क्लियरेंस है वो 8 mm बढ़ा दी गई है, जो कि 173 mm। तो इसकी सीट हाइट टेस्ट करेंगे। सबसे पहले मैं बैठ के दिखाता हूँ जावा 42 ओल्ड वर्जन पे, जिसकी सीट हाइट है आपकी अराउंड 765 mm। तो बैठते हैं। बाकी मैं अपने पैर दिखा देता हूँ कैसे आ रहे हैं। ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़े से मेरे टोज ऊपर हैं और पैर काफ़ी कंफर्ट आ रहे हैं। ये देख रहे होंगे दोनों ही पैर इतने ही आ रहे हैं। बाकी अगर मैं एक पैर ऊपर रखता हूँ इस तरीके से तो मेरा दूसरा पैर इजीली कंफर्ट हो जाता है। बाकी सिटिंग पोस्चर मेरा बिल्कुल ओके है, अब मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि हैंडलिंग पोस्चर भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कंफर्टेबल हूँ मैं इस बाइक पे। और अभी हम आ जाते हैं ऑल न्यू जावा 42 पे, जिसका हम सीट पर बैठ के दिखाएंगे आपको। हालांकि इसकी सीट हाइट अभी तक रिवील नहीं हुई है कि कितनी है, पर फिर भी इस पर बैठ के दिखाते हैं। जैसे कि ग्राउंड क्लियरेंस अराउंड 8 mm बढ़ा गया, तो अराउंड 7 से 8 mm भी सीट में फ़र्क आएगा, तो देख लेते हैं। बाकी फ़र्क तो आ रहा है मुझे उसकी सीट के हिसाब से, अपने टोज जो हैं वो थोड़े से और ऊपर नज़र आ रहे हैं इस पर बैठने में। बाकी देख लीजिए, और अगर मैं एक पैर ऊपर रखता हूँ तो इस पर भी सेम मेरा पैर एक दूसरा बिल्कुल ईजिली कम्फर्ट हो जाता है। बाकी रही बात सिटिंग पोस्चर की, तो सिटिंग पोस्चर बिल्कुल सेम है, कुछ भी फ़र्क नहीं है, यहाँ पर काफ़ी कम्फर्टेबल है दोनों ही बाइकों में। और अगर आपकी भी हाइट है कम, आप भी शॉर्ट राइडर हैं, तो आप इस बाइक पर जा सकते हैं। बट अगर आप हाइट से थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको हाइट से और आपकी हाइट ठीक ठाक है, तो आप इस बाइक पे भी न्यू जा सकते हैं। बाकी इन दोनों का ही प्राइस जो है वो कंपनी ने सेम ही रखा है। आपको ऑल न्यू जावा 42 में अराउंड 4 कलर ऑप्शन और न्यू देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी आपको ओल्ड में भी काफ़ी अच्छे अच्छे कलर ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी ऑल न्यू जावा 42 में कंपनी ने फ्यूल टैंक को लेके, इंजन को लेके और फ्रंट और रियर व्हील्स को लेके काफ़ी हद तक चेंजेस किए हैं, बहुत सारे चेंजेस, और हमने जो कि अपने एक डिटेल्ड कंपैरिजन में आपके साथ शेयर किया है, जाके चेकआउट कीजिए आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है। और इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच,